हेलो दोस्तों, मेरा गांव मेरा देश सीरीज़ 18th एपिसोड में मैं हूं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया। आज मैं जा रहा हूं एक टेंपल कॉम्प्लेक्स देखने, जो है रेवा पांडा उत्तर प्रदेश में। मेरे साथ है दो छोटे गाइड जो मुझे लेकर जा रहे हैं अपने साथ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा है जूर और पिछले 15 सालों में इसमें क्या और कितना बदलाव आया है। जूड़ स्थित है गांव के एकदम बाहर, फैला है करीब करीब 80 बीघा जमीन के एरिया में। 20 मिनट का वॉक करके आप यहां पहुंच सकते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, इस गांव में मेरी एजुकेशन हुई है। मैं 6th क्लास में एक साल के लिए यहां पर पढ़ने के लिए आया था। ये मेरे मामा जी का गाँव है और ये जगह जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसे जूड़ कहा जाता है। 80 बीघा में फैला हुआ है ये सारा एरिया। आज तो यहाँ बहुत डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन पहले यहाँ सिर्फ झाड़ियाँ होती थी, झाड़ी के बीच में हुआ करते थे छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े से रास्ते, और बांस के पत्तों का पूरा कालीन बिछा होता था जिसको चलकर हम अंदर जाते थे। हमारे यहाँ जब प्रैक्टिकल हुआ करते थे ना, तो हम आकर के यहाँ ट्री प्लांटेशन क्या प्रोजेक्ट किया करते थे। तो हर एक बच्चे को 10 या 15 ट्री लगाने होते थे। अब वहाँ का वो छोटा सा जो मंदिर है, एक बहुत बड़े मंदिर का रूप ले चुका है। वो जो टेढ़े मेढ़े कच्चे से रास्ते से चल के हम यहाँ आते थे, वो अब एक सीमेंटेड रोड में बदल चुका है, और वो छोटा सा मंदिर अब बन चुका है एक बहुत बड़ा मंदिर। तो देखिए कितना डेवलपमेंट हो चुका है पिछले कुछ सालों में यहाँ पर और पूरे गांव में। ये देखिए दोस्तों, इतना बड़ा बिल्डिंग, ये एंट्री गेट, और ये बंदर की फैमिली और एक हमारे घर का बंदर यहाँ पेड़ पर चढ़ा हुआ। अरे ये तो अभी भी मैं जिस जंगल की आपसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो कुछ इस तरह का होता था, जहाँ आना और जाना निकलना वाकई मुश्किल काम था। ये बात है 2005 या 2006 की, जब मैं यहाँ गांव में रहता था और पढ़ाई करता था। ये तब का है, खूबसूरत है यार। हमें उस जंगल में जाना है, कोई तरीका है जाने का? नहीं, इनका कहना है कि उस जंगल में नहीं जा सकते, वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है, रास्ता पता है ना, हम जंगल में चलेंगे। पुराने दिन तो याद करना बनता है। चलो हमारे छोटे टूर गाइड, आप कहाँ लेके जा रहे हो हमें? दूसरे गाइड बताएंगे ये कौन सा मंदिर है, बताओ इसके बारे में कुछ। अच्छा, मेरे टूर गाइड भी लगता है पहली बार ही आ रहे हैं मेरी तरह। तालाब में जाने का रास्ता बाहर से है, मेन गेट से बाहर निकल के। हम चले हैं तालाब की तरफ। ये आर्टिफिशियल तालाब लग रहा है मेरे को, या फिर एग्जिस्टिंग तालाब होगा? असली तालाब है। अरे बाप रे, इतने बैट तो मैंने नेपाल की बैट केव में नहीं देखे जितने यहाँ पेड़ पर लटके हुए हैं। देखिए पूरा एरिया ब्लैक हो गया पीछे, रुके सर, सारा ब्लैक है। और यहाँ से स्टार्ट हो गई, मतलब ये पूरे पेड़ के ऊपर इस तरफ सब बैक ही बैक। ये जितने पेड़ हैं, हर एक पेड़ पर बहुत सारे बैट मैं देख पा रहा हूँ, सब उल्टे लटके हुए हैं।
और ये वहाँ से शुरू होकर सिर्फ ऐसे नहीं है कि उन्हीं पेड़ों पर हैं, देखिए ये सब पेड़ पर आपको बैट नजर आएंगे। हाँ बेटा चलो फिर मैं अपने दोनों छोटे गाइड्स के साथ जंगल घूमने चला गया और जूड का ये हिस्सा आज भी उतना ही खूबसूरत है जितना 15 साल पहले हुआ करता था। हाँ ये नील गाय के पाँव हैं। चलो चलो देखिए जंगल इतना घना है ये कि इसमें अंदर आते ही डार्क हो गया है, लाइट कम है यहाँ पर। 80 बीघा ज़मीन थी लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उतनी ज़मीन नहीं रह गई है जो जंगल के पास है। ज़्यादातर एरिया में तो अभी कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, कहीं तालाब बने हैं तो कहीं मंदिर। और ये खूबसूरत सा एहसास है इस तरह की जगह पर होने का, मुझे तो मज़ा आ रहा है यहाँ घूमकर। मैं बच्चों को पीछे छोड़कर थोड़ा अंदर की तरफ जाने लगा हूँ। रास्ता यहाँ के बंद कैसे हो गया? यहाँ पे नील गाय बैठी थी रात को आके, वो यहाँ पे आके बैठती है, उनका गोबर पड़ा है, ये यहाँ पे सुसु किया है, रात को यहीं रुकी होंगी और ये शेड जैसा बना हुआ है और यहाँ से निकल के भागी होंगी फिर जब कोई आया होगा, अगर ये टूटे हुए पड़े पास। हाँ यहाँ से बाहर निकलते हैं अभी। चलिए बचपन में जो जूड मैं देखता था कुछ कुछ वैसा फील है यहाँ आने के बाद, पर प्लांटेशन और ट्री काफ़ी कम हो चुके हैं। उस वक्त ये बहुत घना जंगल होता और इस वक्त बहुत, ये हमारे छोटे गाइड हैं जो हमें लेके चल रहे हैं आगे। हम तालाब के एक कोने से घुसे थे और दूसरे कोने से बाहर आ रहे हैं। झुक करके नीचे से निकलते हुए शानदार है ये जगह और ये एक्सपीरियंस, मुझे तो वाकई में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। Beautiful, isn't it? Look at around me what I have. See. Look at that. The tree where I'm standing right now and this jungle. Wow. Really beautiful.
ये सब कमल के पेड़ हैं जो ठंड के मौसम में एकदम ख़त्म हो चुके हैं और फिर से दोबारा उगेंगे जब बसंत और गर्मी का मौसम आएगा। ये हमारे छोटे गाइड भी पहुंच गए हैं। चलो अब यहाँ पर यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है, जहाँ मूर्ति होती है ना उस मूर्ति की फोटो वीडियो रखता है। तो अगर हम यहाँ अंदर गए भी तो कपड़े फंसेंगे और कुछ नहीं होगा। वक्त हो चला है वापसी का, आज मेरा गांव में लास्ट दिन है, मैं कल करूंगा वापसी चंडीगढ़ के लिए। उम्मीद है यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।